आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है जो सूर्य की कोरोना का अध्ययन करने के लिए निर्मित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की कोरोना और उसके चुंबकीय क्षेत्र की गतिशीलता का अध्ययन करना है। आदित्य L1 मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित किया गया है। इस मिशन के लिए एक सैटेलाइट बनाया जाएगा जो सूर्य के आसपास L1 लाग्रांज बिंदु में स्थित होगा। आदित्य L1 मिशन के लिए कई उपकरण और वैज्ञानिक उपकरण शामिल होंगे, जिनमें से कुछ हैं विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप CUIT, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। इस मिशन के माध्यम से सूर्य की कोरोना के बारे में नई जानकारी प्राप्त होगी और यह सूर्य पृथ्वी कनेक्शन की समझ में मदद करेगा। आदित्य L1 मिशन के लिए भारत सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस मिशन की योजना 2018 में शुरू हुई थी और इसे लॉन्च 2023 में किया गया। आदित्य L1 मिशन के माध्यम से सूर्य के विभिन्न गतिविधियों के बारे में ज्योतिषीय और वैज्ञानिक अध्ययन किए जाएंगे। इस मिशन के माध्यम से प्राप्त जानकारी से सूर्य के विभिन्न विद्युतीय और चुंबकीय गतिविधियों को समझने में मदद मिलेगी और अंतरिक्ष मौसम के पूर्वानुमान में सुधार हो सकता है। इस मिशन का नाम सूर्य के नाम पर रखा गया है क्योंकि आदित्य संस्कृत में सूर्य का अर्थ होता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो बनाने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही तो मांगा है, कर दो ना। धन्यवाद।